हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्ट से हमें फ़ायदा होगा या लोकल मार्केट से जो होलसेलर इंडिया में बेचते हैं उनसे फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पांच वीडियो मैंने लगभग बनाई थी कि इम्पोर्ट में हमें कैसे कराएं, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में भी कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं या ऐसे होलसेलर होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाते हैं ऑन डिमांड और आपको फर्दर वो बनवा के देते हैं और आप उनसे खरीद सकते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगा कंपटीशन का। देखिए, आप इंडिया से अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मान लीजिए शूज़ ख़रीदते हैं, जैसे आगरा से जैसे ख़रीदते हैं शूज़, तो वहाँ पे जो है वो बल्क में बनाएगा तो कुछ आपको देगा, कुछ दूसरे सेलर्स को देगा, इसी तरीके से कंपटीशन बढ़ जाएगा वहाँ पे। और अगर वही अगर उसी तरीके का शूज़ आप चाइना से बनवाते हैं तो चाइना में आपका आपके लिए बनाएगा वो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी, आपका बना के आपको दे देगा, तो वहाँ कंपटीशन का चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि आप ही वहाँ पर सेलर हो जो आप उनसे ख़रीद रहे हो। सेकेंड इसमें आता है टाइम का। देखिए, टाइम का जैसे आप चाइना से मंगाएंगे तो मिनिमम कम से कम आपको 45 से 45 टू 60 डेज़ रहता है उनमें इंपोर्ट होकर यहाँ पे आपके पास पहुँचने तक, लैंडिंग तक। और आप किसी होलसेलर से ले दो, दिल्ली से या आगरा से, विद इन अ वीक आपके पास पहुँच जाता है प्रोडक्ट। तो टाइमिंग का यहाँ पे सेव है इंडिया में, अगर और चाइना से आपको इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट बात आती है पेमेंट की। देखिए, अगर मैं चाइना जाता हूँ या चाइना से ख़रीदता हूँ तो वहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहती है 600 या 1000, तो मुझे वहाँ पे जो पेमेंट देना है वो पूरा पेमेंट देना है, यानी कि 1 लाख का, मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपीज़ के 600 पेयर आते हैं तो 1 लाख रुपीज़ वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ इंडिया में, तो मेरे पास 10,000 रुपये हैं और इंडिया में मेरा काम शुरू कर सकता हूँ होलसेल मार्केट से, क्योंकि 10,000 रुपये में मेरे प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ मैं और बेच सकता हूँ। लास्ट है वैरायटी। देखिए, आप किसी इंडियन होलसेलर से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं जो ऑलरेडी, जो हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं कि अलीबाबा पे सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, जो ऑलरेडी वहाँ से सर्च करके ला रहा है होलसेलर और वो बेच रहा है, तो हमें हमारा काम आसान हो गया और वहाँ से प्रोडक्ट हम खरीद के ला सकते हैं उस होलसेलर से जो इंडियन होलसेलर है। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया चाइना से इंपोर्ट करने के अपने फ़ायदे हैं, अपने लिमिटेशन हैं, और इंडिया से प्रोडक्ट ख़रीदने के होलसेल मार्केट से अपने फ़ायदे हैं, अपने लिमिटेशन हैं। तो ये डिपेंड करता है दो बातों पे, या तो मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सेकंड इसमें आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, आप स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर लिया है आपको और फ्यूचर के लिए करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये बेस्ट डिसीज़न आप ही ले सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ से ख़रीदने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।